हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉट जॉब्स फॉर द वीक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे एवरी सैटरडे हॉट जॉब्स लेकर आता हूं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हॉट जॉब होता है या फिर आप किसी भी कंपनी का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माल्टा के ऊपर, और माल्टा का जो हॉट जॉब मैं लेकर आया हूँ उसमें आपको माल्टा एयरपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन से अभी करंट जॉब्स निकले हुए जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। अलावा मैं कुछ पोस्ट वहाँ पे दिखा दूंगा जिसमें कम रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माल्टीज आता है, चाहे आपको टेक्निकल नॉलेज भी है तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इसमें टेक्निकल जॉब्स भी है जिसमें आप अप्लाई करके यहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। ये सब डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और जैसा कि अभी आपको मैं आपको बता दूं कि माल्टा एयरपोर्ट अगर आपको दिखाऊं कि लोकेशन कैसा है, तो आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, गूगल मैप में देख सकते हैं कि माल्टा एयरपोर्ट आपका ये वो आपका वह माल्टा, और फिर यही इसी के लोकेशन में आपको ये माल्टा एयरपोर्ट देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप इसका फोटोज भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जॉब्स निकले हुए हैं माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो आपको उसके लिए मैं आपको माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे जॉब्स निकले हुए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं career.maltaairport.com और यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे फील्ड है, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट जॉब्स निकला हुआ है, और ऊपर में ऑल डिपार्टमेंट्स जो है ऑल डिपार्टमेंट्स में कितने जॉब्स निकले हुए हैं ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जो ये डिपार्टमेंट्स नीचे दिया हुआ इसी को सब इसी में इसमें जितने भी जॉब्स निकले उन सबको मिलाकर यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। और यहाँ पर 11 जॉब्स निकले हुए हैं करंट अभी 11 जॉब्स निकले हुए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब फील्ड है, किस किस फील्ड में अभी जॉब्स निकला हुआ है। तो अगर आपका अगर इस फील्ड से रिलेशन है, आपका प्रोफाइल मतलब इसमें एक्सपीरियंस है, तो आप इस फील्ड को देख सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एग्जैक्ट मैं यही आपको लिंक दूंगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिए तो आप इस पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पर पूरा प्रोसेस देख लीजिए कैसे आपको इसमें क्या रिक्वायरमेंट है और इसमें कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली मैं आज के इस वीडियो में तीन जॉब्स को मैं बता दूंगा जो इसमें निकला हुआ है, और उसमें कैसे क्या रिक्वायरमेंट है और उसमें क्या आपकी ड्यूटीज रहेंगी वो सब मैं आपको बता दूंगा, और उसमें बता दूंगा कि फिर आप उसको नेक्स्ट कैसे कीजिएगा। तो वो मैं थोड़ा आपको छोड़ के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सब टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी तरह के जॉब्स हैं। तो आपको अगर इंडिया पाकिस्तान नेपाल से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें से सिर्फ दो जॉब्स को आप चॉइस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला हुआ सीनियर क्लर्क का, ठीक है, और दूसरा हुआ हमारा ऊपर थोड़ा सा आ जाइएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि कार पार्क ऑपरेटर। ये तो जॉब्स आप ऐसे हैं जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं चाहिए, हल्का फुल्का नॉलेज से आपका ये काम हो जाएगा और आपको थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश का थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये दो जॉब्स ऐसे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं सबसे पहले बोला हूँ सीनियर क्लर्क के बारे में, और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आते हैं यहाँ पर दिखाया हुआ कि आपको क्या क्या ड्यूटीज करना पड़ेंगे। तो आप इसको गो थ्रो कर लीजिएगा। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको गो थ्रो कर लीजिएगा, अपने देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको वहाँ पे काम करना है। वहीं अगर हम बात करेंगे क्या क्या जरूरत है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया कि आपको इंग्लिश में बात करना है, तो आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई इसमें खास रिक्वायरमेंट नहीं दिया हुआ, बस ये भी ये बोला हुआ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आपको जानकारी होनी चाहिए, और साथ में आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस का भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ कि एयरफील्ड में आपको ड्राइविंग मतलब करना होगा, इसलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। यही आपको दो या तीन रिक्वायरमेंट इसमें बताया हुआ है जो कि आप इसमें देख सकते हैं, और ये पोजीशन सीनियर क्लर्क का है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान नेपाल से कहीं से भी बिलोंग करते हैं और आपके पास ये एक्सपीरियंस है, अगर आपके अभी नॉलेज है, जानते हैं आप, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि आप भाई सिर्फ माल्टा में जो रहते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें, फिर इसमें जैसे आपको गाइड करेगा उसमें आप जाकर इसको वहां पर अप्लाई कीजिएगा। तो ये हुआ हमारा पहला जॉब, और वही हम बात करें हमारे दूसरे जॉब के बारे में, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये है कार पार्क ऑपरेटर। तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पर आपको बताया हुआ कि क्या आपको करना पड़ेगा एग्जैक्टली वहाँ पे काम। तो आप इसको गो थ्रू आउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ये सब काम आपको करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा।
आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से काम करना है। अब हम बात करें क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है कि आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, और मतलब लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, ओरल और रिटन बोलना है तो आपको लिखना और बोलना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, खास करके कुछ सॉफ्टवेयर में वो लोग आपसे काम करवाएगा, तो सॉफ्टवेयर के मतलब नॉलेज होना चाहिए कि आपको कैसे कंप्यूटर चलाना है। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए, ये भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ से वहां जाना पड़ सकता है, इसलिए आपको एक मतलब ये बताया जा रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा, यहाँ से वहां ये चीज पहुंचाना पड़ेगा, कुछ ऐसे काम आ जाएंगे जिसके लिए आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा, इसलिए ये लोग हर इस काम में ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी मांग रहा है, तो ये चीज आपको देख लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सब कुछ इसमें रिक्वायरमेंट मैच करता है तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो जो मैंने जॉब्स बताया वो नॉन टेक्निकल जॉब्स है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल जॉब, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज है तो उसके लिए आपको ये जॉब निकला हुआ यहाँ पर भी, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको यहाँ पर बताया होगा कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेन रिक्वायरमेंट इसके मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए ए और बी का, ठीक है, आप जो इलेक्ट्रिशियन है तो आपको लाइसेंस कहीं ना कहीं सीखे होंगे आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आप कोई इंस्टीट्यूट से सीखे होंगे तो वहां से आपको लाइसेंस मिला होगा, तो उसको उस लाइसेंस में वो ए और बी बोल रहा है, ठीक है, ये चाहिए। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का, और आपको ये भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस इसमें भी आपको चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इन सब के अलावा कुछ और इसमें खास कुछ मेंशन नहीं किया, और सिर्फ ये बोला हुआ कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3 रिक्वायरमेंट इसमें बोल रहा है, ये टेक्निकल थोड़ा जॉब है, तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का भी प्रोसेस वही है कि अप्लाई फॉर दिस जॉब में क्लिक करें और आगे जैसे आपको बताएगा उस पर आप फॉलो करते हुए जॉब को अप्लाई कीजिएगा। मैं माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ अपने इस, खास करके ये हॉट जॉब्स ऑफ द वीक में मैंने कवर किया हुआ है, उसमें जॉब्स निकला हुआ था और मैंने बताया इसमें कि आपको इस तरीके से अप्लाई करता है, तो आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले मैंने माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैंने खुद अप्लाई किया था एक जॉब के लिए, ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए वो लोग अप्लाई करता है कि नहीं, चाहे वो लोग रिप्लाई करता है कि नहीं, तो वहां से मुझे रिप्लाई भी आया था और उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, बताया था आपको कि माल्टा से मुझे यहाँ से रिस्पांस आया। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं माल्टा में और वहाँ से जॉब आता है कि नहीं, मतलब वहाँ से रिप्लाई आता है कि नहीं। तो मैंने अप्लाई किया था और वहाँ से दो बार मैंने अप्लाई किया था, दो अलग अलग जगह पे अप्लाई किया था, तो वहां से मुझे रिस्पॉन्स आया था, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सीवी कवर लेटर के बारे में जानकारी लेना है कि सीवी कवर लेटर कैसा होता है, माल्टा के लिए कैसे बनाएंगे आप, तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं कि कवर लेटर के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया कि कैसे कवर लेटर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं काफी आसानी से और वो भी फ्री में, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि कैसे आपका सीवी होना चाहिए, तो मैंने यूरो पास के ऊपर अच्छा खासा एक वीडियो बनाया हुआ जिसको आप देख सकते हैं, ये वीडियो, इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप यूरो पास का सीवी बना सकते हैं फ्री में बिना किसी को पैसे दिए हुए और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये सब वीडियो देख सकते हैं। और अगर इस पे कुछ आपको कहना है कि हाँ ये कुछ आपका मतलब इन्फॉर्मेशन है, चाहे कुछ आपको सवाल है या क्वेश्चन है, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, कैसे लगा आपको वीडियो लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।